बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। आपको बता दें, बांसवाड़ा सांसद के जाली हस्ताक्षर के जरिए जानकारी मांगी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, लोकसभा सांसद कनकमल कटारा के जाली हस्ताक्षर करने का मामला है। जाली हस्ताक्षर कर सूचना के अधिकार से जानकारी मांगी गई। सांसद कटारा ने करधनी थाने में मामला दर्ज कराया है। जाली हस्ताक्षर, जाली लेटर फाइट से सूचना मांगने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। अलीगंज में एक विभाग से जानकारी मांगने का आरोप है। करधनी पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, कनकमल कटारा का जाली हस्ताक्षर के जरिए जानकारी मांगी। शरद पुरोहित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर हैं। शरद, वाकई अपने आप में एक गंभीर मामला है कि एक सांसद के नकली लेटर पैड और जाली हस्ताक्षर के जरिए ये जानकारी मांगी गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी ये बड़ी बात मानी जाएगी। क्या कुछ अब कार्रवाई हो रही है जब शिकायत दर्ज कराई गई है? तो देखिए, जो कनकमल कटारा है उन्होंने खुद ये शिकायत आईजी ऑफिस में भेजी थी और उसके बाद में ये शिकायत जो है करधनी थाने में दी गई और वहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि उनको ये जानकारी मिली है कि उनका जाली हस्ताक्षर किया गया है, जाली लेटर पैड का इस्तेमाल किया गया और फिर आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई है, जो कि अलीगंज में कोई रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी थी जिसको आरटीआई के थ्रू मांगा गया। तो इसको लेकर के जब बांसवाड़ा सांसद है उनकी तरफ से रिपोर्ट दी गई कनकमल कटारा की ओर से, तो उसको फिलहाल जो करधनी पुलिस है उन्होंने इस मामले को दर्ज कर लिया है। पूरी जानकारी पुलिस ने उसमें एफआईआर में डाली है, जो कि लिखित रूप में वहां से यहाँ पुलिस के पास आई थी। उसके बाद में आने वाले समय में पुलिस जो सांसद है उनके बयान भी इस मामले में लेगी, पूरी जानकारी आगे की लेगी और जो भी इसमें अपराधी हैं जिन्होंने इस तरह की आरटीआई लगाई है फर्जी तरीके से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करेगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए वापस रुख करेंगे सुपर फास्ट 100 का।